हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के से रिलेटेड डिस्कवरी पढ़ेंगे, और ये वाले इम्पोर्टेंट किसके लिए होंगे? सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस, गेट और आईसीएआर के लिए। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड By using sunlight, water, carbon dioxide, etc. तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। किसको यूज करके? सनलाइट को यूज करके, वाटर को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। और ये जनरल जो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे? रिलीज्ड होंगे। तो चलते हैं आगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ है? वो होती है मेजोफिल सेल्स में, और इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो हमें पता है क्या रिलीज होते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी थाइलेकोइड में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो इसमें से आपसे क्या पूछ सकते हैं कि रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होती है? वाटर से। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेकोइड में। अब चलते हैं आगे। जो नेचर होता है लाइट का वो क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। और जैसे ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है हमारा स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो रही है अलोंग द स्पेक्ट्रा, और वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। और इसमें सबसे पहले गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अगर इसको याद करना हो स्पेक्ट्रा को तो है रमी वुक्स, RMIVUX, सीधा रमी वुक्स गामा रेस। तो R से रेडियो, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, U से अल्ट्रावायलेट, X से एक्स रेस और गामा से गामा रेस। तो ये ऑर्डर ऑफ किस में है हमारा? ये है ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि जो रेडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और जो गामा रेस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आपको अगर याद करने की ट्रिक है ये रमी वुक्स गामा रेस। और इसमें से हमारा 400 से 750 के बीच में होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं आगे। जो प्लांट है वो क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं 430 नैनोमीटर और 660 नैनोमीटर। तो 430 नैनोमीटर में होती है हमारी ब्लू लाइट, और 660 में कौन सी होती है? हमारी रेड लाइट। तो हमने देखा है कि आजकल CSIR में ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ABC क्या है, ठीक है? तो A है हमारा सोलर आउटपुट, B है एनर्जी एट अर्थ सरफेस। सोलर आउटपुट मतलब जितनी भी सन से लाइट आई है वो है हमारा सोलर आउटपुट, और अर्थ सरफेस पे कितनी लाइट पहुंची है वो है हमारी एनर्जी एट अर्थ सरफेस। और सी है हमारा
कि प्लांट के द्वारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है, और प्लांट में लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे क्लोरोफिल, तो 430 नैनोमीटर, और 660 नैनोमीटर पे जो है लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। 430 पे होगा हमारा ब्लू और 660 पे होगा हमारा रेड। अब चलते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्या है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल ए में होगा हमारा ये वाला ग्रुप, क्लोरोफिल बी में क्या होगा CH3 की जगह क्या आ जाएगा CHO एल्डिहाइड, और क्लोरोफिल सी में क्या होता है ये जो टेल होती है वो अब्सेंट होती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए में इस सब ग्रुप की जगह ये वाला सब ग्रुप आ जाता है, ठीक है, और कैरोटीनोइड का और बिलीन का स्ट्रक्चर ये है। अब आपसे पूछेंगे कि कौन से क्लोरोफिल में फाइटोल टेल अब्सेंट होती है, तो आप क्या लिखेंगे क्लोरोफिल सी। और क्या पूछ सकते हैं वो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, तो क्लोरोफिल बी में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए में क्या होता है मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या पता लगाया कि ऑक्सीजन इवोल्व होती है प्लांट से। तो ये प्रिस्टली और इग्नी हाउस का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, मिंट का प्लांट, कैंडल और एक माउस रख दिया। तो इन्होंने क्या पाया कि माउस सर्वाइव कर रहा है और कैंडल बर्न कर रही है। तो माउस के सर्वाइव करने के लिए इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कैंडल की बर्न करने के लिए भी इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जो माउस जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन को ये अपटेक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा रिलीज। और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, मिंट में ये CO2 को लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जब ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा तो माउस जो है रेस्पिरेशन के थ्रू अपना ऑक्सीजन ले लेगा, और ऐसे ही कैंडल भी ऑक्सीजन ले लेगी और बर्न हो जाएगी। तो इसीलिए कैंडल बर्न रहेगी और माउस सर्वाइव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मिंट, जब हम इसे जार में रखेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है प्लांट से। अब चलते हैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट ली क्लोरोफिल ने, और उससे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हुए। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितनी ली है प्लांट ने एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये वाला ग्राफ है हमारा, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इंग्लीमैन का एक्सपेरिमेंट देखें, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिया था स्पायरोगायरा। तो अब आपसे क्या पूछेंगे कि इंग्लीमैन ने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो एक तो लिया था स्पायरोगायरा, और दूसरा लिया था एरोटेक्टिक बैक्टीरिया। एरोटेक्टिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उससे लाइट पास कर दी। तो प्रिज्म से जब लाइट पास करते हैं हम, तो वो स्प्लिट आउट हो जाती है 7 कलर्स में, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इतने में स्प्लिट होगी। और इन्होंने क्या किया, स्पायरोगायरा एल्गी को रख दिया उसमें, इस रीजन में, और साथ में एरोटेक्टिक बैक्टीरिया रख दिए। तो इन्होंने क्या पाया, जो एरोटेक्टिक बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, और वो रीजन क्या था,
430 नैनोमीटर और 660 नैनोमीटर. 430 वाला था ब्लू लाइट रीजन और 660 था रेड लाइट रीजन. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 430 और 660 नैनोमीटर वाली लाइट जो है स्पाइरोगायरा में जो क्लोरोफिल है उनके द्वारा एब्जॉर्ब की गई और इसी में जो है फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन इवॉल्व हुई. अब इस ऑक्सीजन का यूज किया किसने? एरोटेक्टिक बैक्टीरिया ने. और वो उनकी पॉपुलेशन इस रीजन में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. अब चलते हैं आगे. ये है हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड लाइट रिएक्शन सेंटर. तो ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स. एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लाइट गेन करेगा और इस लाइट को कहाँ पे प्रोवाइड करेगा? रिएक्शन सेंटर में. और रिएक्शन सेंटर में क्या होगा? डोनर होगा कोई जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करेगा. और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इन द एंटीना वो क्या है? एक फिजिकल फिनोमिना है. यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है या नहीं होता. तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ केवल फिजिकल फिनोमिना होता है. अब है रॉबर्ट एमर्सन एंड विलियम अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? उन्होंने किया क्लोरेला पाइरिनोइडोसा. तो ये ऑर्गेनिज्म इसका नाम याद रख लेना कि अर्नोल्ड और रॉबर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया. उन्होंने क्या किया? 10^-5 सेकंड के लिए फ्लैश दी लाइट की और जो टाइम पीरियड था फ्लैशेस के बीच में वो था 0.1 सेकंड. और इन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ फ्लैशेस की लाइट दी और मेजर किया कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है. तो इन्होंने क्या पाया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन है प्लांट के द्वारा वो इंक्रीज नहीं हो रहा. तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज्ड करने के लिए 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं. तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? हमारी फर्स्ट चीज है कि ये जो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया था, क्लोरेला पाइरिनोइडोसा. और इन्होंने क्या पता लगाया कि फोटोसिंथेटिक सिस्टम है जो वो सैचुरेट हो जाता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है. अब क्वांटम यील्ड क्या होती है? तो क्वांटम यील्ड होती है कि नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब्ड. तो इसका मतलब क्या है कि फोटोकेमिकल प्रोडक्ट हमें कितने मिल रहे हैं और उस पे कितने नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड हो रही हैं. तो इसमें 10 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के रिलीज करने में. तो क्या होता है? 10 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने में. तो 10 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज्ड करने में. तो मैक्सिमम यील्ड कितनी होती है? मैक्सिमम यील्ड होती है 1 ऑक्सीजन पर 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल.
तो ये है मैक्सिमम यील्ड। और इनिशियल यील्ड क्या है, एक ऑक्सीजन पर 10 एब्जॉर्ब्ड क्वांटा। अब रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने क्या देखा कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट जब हमने आइसोलेट किए तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है इन आइसोलेटेड कंपाउंड से आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट से क्या हुए, रिड्यूस्ड हुए। और ऑक्सीजन इवॉल्व कब हुई, जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोवाइड किए। जब हमने केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिए तो केवल तभी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन से थे, फेरी ऑक्जोलेट पोटासियम फेरी साइनाइड। और क्या लिया था इन्होंने, हिल रिएजेंट लिया था जो नॉन फिजियोलॉजिकल था, वो कौन सा था, DCPIP 2,6-dichlorophenol इंडोफिनोल। ये कलरलेस होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में और जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी तो ब्लू हो जाएगा ये। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने क्या देखा कि ऑक्सीजन इवॉल्व कब होती है, जब हम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोवाइड करते हैं। और जो हिल रिएजेंट है हमारा जो नॉन फिजियोलॉजिकल है वो है DCPIP जो क्या है, 2,6-dichlorophenol इंडोफिनोल। लेकिन ओकोवा था जो, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि NADP है रेड ड्रॉप फिनोमिना की तरफ। तो रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या कहता है कि जो क्वांटम यील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है इन द फार रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो ये है हमारी क्वांटम यील्ड, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फार रेड लाइट रीजन कहाँ से होता है, बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर लाइट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये 680 नैनोमीटर लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो रही है इन दिस फार रेड रीजन लाइट। तो यही बताता है हमें रेड ड्रॉप फिनोमिना। ये वाला CSIR में काफ़ी बार पूछा गया है कि रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या होता है, वो या तो स्टेटमेंट के थ्रू या आपको ग्राफ के थ्रू पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फिनोमिना शो हो रहा है। तो 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड जब हम लाइट देंगे तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिना। अब CB1 नेल ने जो स्टडी की थी उन्होंने क्या पता लगाया था कि ऑक्सीजन जो है वाटर से ड्राइव्ड होती है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है क्रोमेटियम वाइनोसम वो क्या करता है, CO2 को एसिमिलेट करता है लेकिन ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करता। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती इन क्रोमेटियम विनोसम। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और रूबन कामीन थे जो उन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है 18 वो यूज की वाटर मॉलिक्यूल में और पता लगाया कि ऑक्सीजन जो है इवॉल्व कहाँ से होती है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि CB Wayne नेल ने अपनी स्टडी कौन से ऑर्गेनिज्म पे की, क्रोमेटियम वाइनोसम। और जो ये हैं सल्फर सिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू इवॉल्व ऑक्सीजन और डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द फोटोसिस्टम्स। अब चलते हैं आगे, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है पेपर्स में कि जब हम रेड लाइट दे रहे हैं खाली तो हमारी
रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, काफ़ी कम है। जब फार रेड लाइट दे रहे हैं या रेड लाइट दे रहे हैं, तो पहले दी हमने फार रेड लाइट, तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या है, काफ़ी कम। ऐसे ही जब रेड लाइट दी तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या है, कम। लेकिन जब हमने रेड प्लस फार रेड लाइट दी तो क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो कितना हो गया, 2 to 3 times मोर एज कंपेयर टू अवर फार रेड लाइट और रेड लाइट। तो यही क्या है, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। इसका मतलब कि जब रेड और फार रेड लाइट बोथ हमने साइमल्टेनियसली दी इस वाले रीजन में जो हमें दिख रहा है, तो क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज्ड हो गया 2 to 3 times। किसके कंपैरिजन में, जब हमने रेड लाइट या फार रेड लाइट सेपरेटली दी। तो ये था हमारा इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट जो थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, वो वाले कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो है लाइट रिएक्शन करेंगे उसकी, उसमें हम हर्बिसाइड का पता लगाएंगे जो CSIR में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।